अटल पेंशन योजना। तीसरी योजना, साथी भारत सरकार द्वारा तेजस्विनी और समर्थन के बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए भी योजना उपलब्ध है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। जी हाँ, अटल पेंशन योजना हर वो भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है और उसके पास आधार तथा बैंक में बचत खाता है, वो अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। बस 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से अपनी किश्त जमा करवाओ और 60 वर्ष से लेकर शेष जीवन भर प्रति माह 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन पाओ। बस एक बात का ध्यान रहे, जितनी कम आयु में इस योजना में शामिल होगे, उतना ही बड़ा लाभ मिलेगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से आजीवन 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन पाना चाहता है, तो 18 वर्ष की आयु में योजना शुरू करने पर उसे केवल 42 रुपए प्रति माह की किश्त देनी पड़ेगी, जबकि 40 वर्ष की आयु में योजना शुरू करने पर पूरे 291 रुपए देने होंगे। ठीक इसी तरह अगर 60 वर्ष की आयु से आजीवन 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन पाना चाहते हो, तो 18 वर्ष की आयु में योजना शुरू करने पर केवल 210 रुपए प्रति माह की किश्त देनी पड़ेगी, जबकि 40 वर्ष की आयु में योजना शुरू करने पर 1,454 रुपए देने होंगे। दीदी, ये तो आपने बड़े पते की बात बताई। अच्छा दीदी, इस योजना में आवेदन कैसे करते हैं? बहुत आसान है, बस अपनी निकटतम बैंक की शाखा या बीसी केंद्र में जाओ, एक आसान सा फॉर्म भरो और किश्त के पैसे जमा करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार समय चक्र चुनो, जैसे कि हर महीने या हर 3 महीने या फिर हर 6 महीने, और बस हो गई तुम्हारी अटल पेंशन योजना शुरू। पर दीदी, मान लो कि किसी अनचाही वजह से अगर बैंक के खाते में पर्याप्त धन नहीं हो और किश्त ना निकल पाए, तो क्या योजना बंद हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, तुम ये किश्त अगले महीने बस थोड़े से अतिरिक्त शुल्क के साथ भर सकते हो। हाँ, और सबसे खास बात तो ये है कि अटल पेंशन योजना तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तो बनती ही है, पर तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का भी पूरा साथ निभाती है। मान लो भगवान ना करे अगर दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है, तो जीवन साथी जिसको ये पेंशन मिलती रहेगी और जीवन साथी की भी मृत्यु के बाद बचा हुआ पैसा परिवार को मिल जाएगा। और इन सभी योजनाओं में आप पूरे साल में कभी भी आवेदन कर सकते हैं, है ना ये वाकई में फायदेमंद योजना? हाँ बिटिया, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया इतने पते की बात बताने के लिए। मैं समर्थ से आज ही इन योजनाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करने को कहूँगी। और हाँ, ये लो 125 रुपए, घर जाते हुए मेरी तरफ से मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। क्यों नहीं अम्मा जी, बिल्कुल चढ़ाऊंगी।